यूट्यूब चैनल निधि हेल्थ योगा डाइट एंड लाइफ स्टाइल में। और आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही शानदार, बहुत ही फेवरेट, और हम सबका जब भी हम किसी गेस्ट के जाते हैं या जब भी हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं हम तो इसको ज़रूर ऑर्डर करते हैं, और वो है पनीर की रेसिपी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर बटर पनीर मसाला। इसके लिए मुझे क्या कहते हैं, इसके लिए मैंने लिया है कम से कम 200 ग्राम पनीर लिया है मैंने, 2 ऑनियन लिए हैं, 3 टमाटर लिए हैं, 4 ग्रीन चिली लिए हैं, 1 लहसुन लिया है, और मैंने यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स को मैंने भिगा दिया है, बिकॉज पनीर बटर मसाला है तो इसमें हल्का सा टेस्ट आता है, वो हल्का सा मीठा और हल्का सा स्पाइसी होता है, तो इसलिए हम थोड़ा सा मैंने किशमिश में भिगाए हैं और थोड़ा सा काजू। इससे पहले मैं इनको फाइनली चॉप कर लूँगी, फिर हम इसे पैन में फ्राई करेंगे, तो मैं चॉप कर लेती हूँ। हमने यहाँ पे एक पैन ले लिया है और इसमें मैंने 1 स्पून देसी घी डाल दिया है, और ये अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें अपने सारे कटे हुए वेज डालूँगी, डालूँगी थोड़ा बे लीफ, थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स और अपने कटे हुए ऑनियन, टमाटर, ग्रीन चिली, और अच्छे से सॉटे करूँगी। और ये मैं थोड़े से सॉटे कर लिया है, अब मैं इसमें हल्का सा डालूँगी ताकि अच्छे से हल्का सा पक जाए, तो मैं इसमें डालूँगी पिंक सॉल्ट, और मैं हमेशा पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ क्योंकि नाइट में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और हम इसको ढक लेंगे और कम से कम 2 या 3 मिनट तक हल्का सा पकाएंगे। अब ये अच्छी तरह से हल्के से, ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा सा हमने इसको जैसे उसको हल्का सा पका दिया है, अब हम इसे गैस बंद कर देंगे और इसका ठंडा होने पर इसको हम ग्राइंड करेंगे, ये हमारा ग्रेवी की तरह काम करेगा। तो इसको मैं बंद कर लेती हूँ और थोड़ी देर ठंडा होने छोड़ देती हूँ। ये जो मिक्सचर था वो पूरी तरह ठंडा हो चुका है, इसको मैंने मिक्सी ग्राइंड में डाल दिया है, और जो मैंने भिगाए हुए थे अपने ड्राई फ्रूट्स को मैं डाल दूँगी, और मैं इसको मिक्सी में अच्छे से पेस्ट हम इसका बना लेंगे। ये आप देख सकते हो कि पेस्ट कुछ इस तरह से हो चुका है, बहुत ही रिच कलर आया है इसका। और मैंने एक पैन में हल्का, उसी पैन में मैंने 1 स्पून देसी घी डाल दिया है, और जो ये पेस्ट था मैं अब इसको इसमें डालूँगी। और इसको हम हल्का सा चलाएंगे, थोड़ा इसको पकाएंगे। ये आप देख सकते हो कि अच्छे से पक रहा है। अब मैं इसमें हल्का सा सब क्रीमी टेक्सचर देने के लिए, या तो आप कोई फुल क्रीम डाल सकते हो, या फिर खोया डाल सकते हो, या फिर आप कर्ड, बट कर्ड आप ध्यान रखें कि ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। तो मैं इसमें हल्का सा 1 चम्मच कर्ड डालूँगी, होममेड कर्ड डालूँगी, ताकि जो इसमें थोड़ा थिकनेस हो और इसमें थोड़ा सा एक क्रीमी जैसा टेस्ट, जैसे लाइक स्टैंडर्ड टेस्ट हमें आए, तो इसको हम अच्छे से थोड़ा सा हमें पकाएँगे। अब हम इसमें डालेंगे अपने पनीर के क्यूब्स, और हम इसको डाल देंगे, तो मैंने हल्के से कट किए हुए हैं, और इनको हल्के से पका देंगे। और मेरा बटर पनीर मसाला पूरी तरह से पक चुका है, मैंने गैस ऑफ कर लिया है। अब मैं इसे गार्निश करूँगी हरे धनिया के ऊपर, और तैयार है मेरा बटर पनीर मसाला। तो मैं सर्व करूँगी रोटी या चावल के साथ। तो फ्रेंड्स, रेडी है मेरा बटर पनीर मसाला, और मैं आज अपने डिनर में इंजॉय करूँगी इसको। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो।